नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के एक कपड़े की दुकान में रविवार शाम 8:30 बजे के करीब दो लोग मास्क पहनकर और हाथ में पिस्तौल दिखाकर घुसे। दुकान में बैठे राजस्थानी व्यापारी को अपनी सीट से उठाया और काउंटर में पड़े सारे पैसे एक थैली में भरकर रवाना हुए। दुकान में मालिक के साथ उस समय 5 मुलाजिम भी मौजूद थे। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।